हेलो फ्रेंड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। रियलमी की एक खबर है, रियलमी ने लिस्ट कर दिया है सारी डिवाइस जिसके अंदर आपको कलर ओएस 7 का अपडेट मिलने वाला है और ये अपडेट 2020 से चालू होगा। मैं बता दूं आपको Q1, Q2, Q3 तक ये अपडेट मिलने वाला है और सबसे पहले ये अपडेट जैन में रियलमी 3 प्रो एंड रियलमी XT को मिलने वाला है। और उसके बाद बात करें और दोस्तों फेब में आपको रियलमी 5 प्रो एंड रियलमी X के अंदर अपडेट मिलेगा और Q1 के अंदर ही मार्च में आपको रियलमी X2 एंड X2 प्रो के अंदर एक कलर और 7 का अपडेट मिलेगा। उसके बाद Q2 और दोस्तों Q2 की बात करें तो अप्रैल में रियलमी 3 और 3S दोनों को कलर और 7 का अपडेट मिलेगा। उसके बाद आता है मैं आपको रियलमी 5 और 5S का कलर और 7 अपडेट मिलेगा। उसके बाद आता है जून में आपको रियलमी 2 प्रो का अपडेट मिलेगा। उसके बाद Q3 जिसके अंदर एक ही डिवाइस को अपडेट मिलने वाला है वो जो है रियलमी 2। बाकी बचे जो 4 डिवाइस है जो कि बहुत पहले ही लॉन्च हुए थे, कंपनी ने लॉन्च किया था, उसके अंदर आपको कलर और 7 का अपडेट नहीं मिलेगा। मैं वो सारे स्मार्टफोन के नाम बता देता हूँ, Realme 1, Realme C1 एंड Realme 2 और Realme U1। ये सारे फोन में आपको कलर OS 7 का अपडेट नहीं मिलेगा। कलर OS 7 जो कि नए नए फीचर के साथ आने वाला है जो कि लाइट वेट होगा और बॉर्डरलेस डिजाइन होगा। इसके अंदर कई सारे ऐप में बहुत अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, ऐप लॉक, डिजिटल वेलबींग, स्मार्ट साइड बार और स्मार्ट असिस्टेंट, ये सारे को बहुत ही इम्प्रूव कर दिया है कंपनी ने। रियलमी इसको फोन UI बोलती है। रियलमी ने क्लो एसन को अपने तरीके से कस्टमाइज किया है इसकी UI को और ये आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड जैसा